तापमान ज्यादा होने से आम लोग परेशान हैं, गर्म हवा चलने से लोग लू के शिकार हो रहे हैं। नगर में इस तरह से बीमार होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी चिकित्सकों के क्लिनिकों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गुरुवार की शाम को अचानक हुई बारिश ने अगले ही दिन शुक्रवार को मरीजों की संख्या बढ़ा दी। ओपीडी में सुबह से शाम तक करीब 400 से 500 मरीज उपचार कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसमें से 100 के लगभग तो ऐसे मरीज थे जिन्हें उपचार के लिए बाटले तक चढ़ानी पड़ी। इस बीच अस्पताल के महिला और पुरुष वार्डों में बेड फुल रहे, मरीजों को उपचार करवाने के लिए पलंग के खाली होने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कुछ दिनों से ओपीडी का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का कर दिया गया है। इस बीच 1:30 बजे के बाद 45 मिनट का लंच ब्रेक रहता है। इस सुविधा का लाभ मरीजों को मिलना शुरू भी हो गया है, लेकिन गर्मी का पारा 45 डिग्री के ऊपर जाने के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी के कारण स्वास्थ्य केंद्रों में लू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसमें से ज्यादातर छोटे बच्चे ऐसे हैं जो लू का शिकार हो रहे हैं। शासन आदेश अनुसार जो ओपीडी की नई समय सारणी आई है, उसके अंदर मॉर्निंग में जो ओपीडी है वह सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक, और दोपहर की जो ओपीडी है वहाँ 2:15 से 4 बजे तक रहेगी। सर, ये जो समय गवर्नमेंट ने निर्धारित करा था, इससे मरीजों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है? हाँ, अभी बिल्कुल नया ही समय आया है, जिसके कारण मरीजों को अभी प्रॉपर रूप से पता नहीं है, जिसके कारण उनको थोड़ी असुविधा हो रही है। बाकी धीरे धीरे आदत में आने के बाद ये सर, किस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित मरीज अभी वर्तमान में? अभी गर्मी के कारण लू के भी पेशेंट आ रहे हैं, उनके दस्त के भी आ रहे हैं, बच्चे खास करके ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और कितनी ओपीडी होगी सर अभी? अपनी सीएचसी की ओपीडी 250 से 300 के लगभग चल रही है।